रिश्तों की दुनिया का विश्वास है ये बंधन ये बंधन ये बंधन ये बंधन ये बंधन ये बंधन किसको अच्छा लगे चुपके चुपके से दिल में जगह ढूंढ ले कौन किस मोड़ पर किसको अच्छा लगे चुपके चुपके से दिल में जगह ढूंढ ले तोड़ दे एक बंधन तो एक जोड़ ले खोल के रिश्ते रातों को भी छोड़ दे दिल की ताकत है ये दिल के ही पास है ये बंधन 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 है क्या एक एहसास है ये बंधन है क्या एक एहसास है दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है ये बंधन 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 वैसे ही ना तुम दोनों अपनी लाइफ अपनी सोच और अपने बिहेवियर में कितने बैलेंस्ड हो ना सुना है ना लोग शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बहुत बहुत बातें करते हैं सपने देखते हैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो जाता है हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं बस एक समझ पैदा कर ली जिंदगी की प्यार की हाँ रीना और लोग तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं हाँ क्योंकि वो सोचते हैं कि इसका कोई सलूशन ही नहीं एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप कर एक दूसरे को गिल्टी साबित करने की कोशिश करते हैं और इसी में झगड़ा हो जाता है वैसे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं और ये मानकर चलो कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं फिर इससे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होगा और आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे वैसे सुने ना एक बात कहूँ डोंट माइंड मुझे लगता है तुम अपनी शादी के मामले को लेके काफी कंफ्यूज्ड हो ये तो है और काफी हद तक और ये ना मुझे लगता है मेरी जगह कोई भी होगा वो ऐसे ही दौर से गुजरेगा उस दिन भी मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुनी मुझे लगता है तुम जिन खतरों से सावधान हो वो तो होंगे ही और इसीलिए तो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ और यू कैन से आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी रिस्क ओके यू राइट इन योर ओन वे पर सुनैना एक बात समझ लो शादी को बंधन मत समझो उसे उम्मीद और विश्वास से जोड़ो पति पत्नी का साथ जिंदगी का ऐसा मोड़ है जहां जिंदगी आकर परवान चढ़ती है और अगर मुश्किलें आसान हो तो मंजिल को पाने की पूरी कोशिश करो कोई और भी हाँ ठीक और नहीं नहीं आज के लिए इतना ही काफी है बाकी फिर कभी चले ठीक माँ जी यहाँ आती हूँ तो हॉस्टल जाने की इच्छा ही नहीं होती है हाँ बेटा तुम्हारे बिना ये घर अच्छा भी नहीं लगता और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि रंजीत भी दिन ब दिन गुस्सैल और चिड़चिड़ा होता जा रहा है मैं भी ये अच्छी तरह महसूस कर रही हूँ लेकिन डर लगता है कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए देखो शालू
मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बात तो है, मैं तुम्हारी जगह तो नहीं ना ले सकती। और फिर इस बढ़ती उम्र में अब मुझसे इतना काम समेटा भी नहीं जाता। मैं सोच रही थी मम्मी जी कि सचमुच आप बहुत थक जाती होंगी, नकुल को आपने बहुत सिर चढ़ा रखा है। सो वो तो तंग करता है, वो समझना ही नहीं चाहता कि अब वो बड़ा हो रहा है तो वो बच्चा ही। देखो बेटा, जिन बच्चों को अपने घर में बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलता है ना, उनके संस्कार बहुत पुख्ता होते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नकुल को मैं समझाऊंगी कि वो दादी माँ को बिल्कुल तंग ना करे। देखो शालू, बुरा मत मानो, अगर समझाना ही है तो विनी को समझाओ। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है, उसकी बेहूदगी तो बढ़ती जा रही है। आप और रंजीत नकुल को बहुत प्यार करते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन इससे विनी को बहुत बुरा लगता है। वो बड़ी हो रही है, सब समझने लगी है। देखो शालू, एक तो विनी नकुल से बड़ी है और फिर वो लड़का है। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी, आज के युग में वो भी पढ़े लिखे परिवार में लड़के और लड़की में फर्क समझा जाता है, जबकि आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं। आपसे तो ये देखो शालू, सच्चाई को तो मिटाया नहीं जा सकता। अब जब भगवान ने ही लड़के और लड़की को अलग अलग सांचे में डाल रखा है, तो हम तुम लाख सर पटके, फर्क तो रहेगा। मैं आपकी बात मानती हूँ मम्मी जी, कि लड़का और लड़की दो अलग तरह की शख्सियत रखते हैं, लेकिन इस वजह से एक को ज्यादा अहमियत दी जाए एक को कम, ये कहाँ का न्याय है। अब तुम जो भी समझो, लेकिन एक बात सुन लो, विन्नी दिन ब दिन नकचरी होती जा रही है। उस दिन देखा नहीं, रंजीत ने जरा सा क्या कह दिया, खाना छोड़कर चल दे। अरे आ गया मेरा बेटा। नकुल ये क्या बात हुई, बस तो अपने कमरे में जाके रखो। मम्मी मेरा सारा काम दादी करती है, तुम बेकार नहीं। अच्छा बेटा ये तो बताओ, लंच कर लिया था? इस टाइम का अगर बेकार का लंच करूं तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। अरे बेटा मैंने तो तेरे को उपमा बना के दिया था। अच्छा ठीक है, कल मैं तेरे को पनीर के परांठे बना के दूंगी। दादी मुझे अभी पनीर के परांठे बना कर दो। अभी अभी तो घर में पनीर है ही नहीं, बाजार से लाना पड़ेगा। तू जाकर लेकर आ। नकुल ये क्या बकवास है, दादी माँ कोई नौकर है, घर में जो है वही खाना होगा। बताओ दीदी क्या हुआ, मम्मी जी कैसी है और अंशु कैसे है? क्या बताऊं, जो कुछ हुआ बाकी भी हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। अंशु का चेहरा जब सामने आता है तो देखो इस तरह जब तुम परेशान हो गए तो भला हम हालात पर काबू कैसे पा सकेंगे। और तुम तो एक बाहिम्मत इंसान है, तुम्हारा इस तरह कमजोर होना मुझे ठीक नहीं लगता। क्या करो रीना, आदमी कितना भी मजबूत हो अपनों के लिए उतना ही कमजोर होता है, और अपनों के लिए उसे जूझना भी पड़ता है। बच्चा है फिर बोला कमजोर होने से कैसे चलेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, सब कुछ तो लूट गया। मम्मी जी की आंखों में ऐसी वीरानगी समा गई है कि
कुछ नहीं कहती, बहुत पूछने पर फूट फूट कर रोने लगती है। और अंशु, वो तो पूरी तरह लुट चुकी है, डरी सी सहमी सी एक कोने में चुपचाप बैठी अपने आंसू पूछ रही है। तो तुम उन सबको यहाँ क्यों नहीं ले आए? चाह तो मैं भी रहा था, लेकिन बड़े काका जी आ गए और कहने लगे एकदम से सभी के चले जाने पर लोग अंशु पर ही शक करेंगे। कहीं कोई जानकार तो नहीं थे या फिर अंशु के? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? तुमने क्या मेरी बहन को? अरे तुम तो बेकार में ही नाराज हो रहे हो, मैंने अंशु पर ऐसा कुछ तो नहीं कहा। ऐसे हादसों में अक्सर दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाती है, इसीलिए पूछा। अब तुम अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो, जब रात के अंधेरे में अचानक कोई घर में घुसेगा तो क्या जेवरात और रुपए भी लेंगे? वैसे तो मामी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, कुछ पुराने जेवर थे जो अंशु को देने के लिए रखे थे, वो सब चले गए। मैं मां जी को 100 बार कह चुकी थी कि लाइए इसे बैंक के लॉकर में डाल दो, जिससे कोई खतरा तो नहीं रहेगा। जब मां जी को मेरे ऊपर विश्वास हो तब ना। अब तुम बेकार की बातें करके मुझे और परेशान मत करो। पापा जी के मरने के बाद मम्मी पहले ही टूट चुकी थी, वो शहर में नाते रिश्तेदारों की वजह से नहीं अंशु की पढ़ाई की वजह से रह रही थी। ऐसी कौन सी पढ़ाई थी जो अंशु यहाँ पर नहीं कर सकती थी? ओहो, अब तुम ऐसे। मैंने भी मामी से पूछा तो मम्मी ने यही कहा कि उसकी पीएचडी अच्छा वाला रिश्ता मैंने बताया था, खाता पीता घर परिवार था, लड़के की नौकरी भी ठीक थी, बस सारा रंग ही दबा था। क्या जरा रंग दबा था? पक्का काला रंग और बदसूरत चेहरा था उसका। रीना, अंशु मेरी इकलौती बहन है, क्या मैं उसे ब्याह देता? चलो छोड़ो भी अगली बात, अब हमें क्या बात है? लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उससे कैसे निपटना है? वही तो सोच रहा हूं, लेकिन बहुत अकेला। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? सोचता हूं मतलब तुम आने वाले समय से समझौता नहीं कर पाओगे। देखो तुम बेसिर पैर की जज्बाती बातें तो करो ही मत, यहाँ इस शहर में सब तुम्हें जानते हैं। तुम्हारी बहन का रेप हुआ है, ये जानने के बाद क्या लोग मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाएंगे? जितने मुंह उतनी बातें होंगी, किस किस को समझाओगे? फिर अपनी पिंकी भी जवान हो रही है, इन बातों का उस पर क्या असर पड़ेगा? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं मम्मी जी और अंशु को इस हाल में छोड़ दूं? मैंने वैसा तो कुछ नहीं कहा, मामला अच्छी तरह सुलझ जाएगा, तुम किसी और जगह की पोस्टिंग ले लो। ये कैसे हो सकता है? अभी हमें यहाँ आए कितने दिन हुए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी जी और अंशु के यहाँ आ जाने से ऐसा क्या हो जाएगा। बात मां जी की, उनकी बेटी का भी, वो तो जब चाहे तब आ सकती है, लेकिन सवाल तो अंशु का, जो उसका मिटना आसान है क्या? रीना, ये एक हादसा है, ये जस्ट एन एक्सीडेंट, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर कोई इंसान किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए, तो क्या उसे जीने का हक नहीं मिलना चाहिए? यही अंशु के साथ हुआ है, वो एक हादसे की शिकार हुई है और उसे सहारा देना हमारा फर्ज है। कल सुबह ही काका का फोन आएगा और उसके बाद मैं मम्मी और अंशु को ले आऊंगा हमेशा के लिए। तुमसे ये पूछती कि तुमने घर के अंदर आने की जुरत कैसे की? देखो मैं गंदू, आप मेरा यकीन कीजिए, कमली मेरे सगे भाई की बीवी है। क्या कमली?
अपना घर परिवार बाल बच्चे और पति को छोड़कर घर से भाग आई हो। कमली, ये आदमी क्या कह, तू उसे पहचानती है क्या? ये तेरा मेरा कोई नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसका सगा जेठ हूँ जी। मैं इसका जेठ कहते हुए इसकी जीभ नहीं चल गई। इंसान, इसे यहाँ से भगा दीजिए, ये मेरा कोई नहीं लगता। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और बीमार पड़ गए हैं। कमले, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? देखो तुम परेशानी में पिछ पिछ पाओ, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? निम्सा, ये सच है कि मेरे बच्चे थे, मेरा घर परिवार था, लेकिन अब मेरा कोई नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अकेली। देख रही है, देख रही है आप कैसी माँ है ये, जो अपने पैदा किए बच्चों को भी। बलाल, तू कौन होता है? तुम यहाँ से भगा दीजिए, इसका मुंह देखना भी पाप है। जैसे शैतान और राक्षस शायद ही दुनिया में होते हैं। उसने मुझे बर्बाद किया, मुझे मुझे कहीं का नहीं रखा, मुझे कहीं का नहीं रखा। बस खत्म नहीं, चुप्पी हो जाए। एक मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जाए, नहीं तो पुलिस को मैं अभी फोन करूंगी। आपका हुक्म है, चला जाता हूँ, वरना सच्चाई वही है जो मैं कह चुका हूँ। हाँ, जो औरत अपने शोहर को करीने से नहीं रख पाई, उससे आप ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं कि वो घर को करीने से रखेगी? पर हाँ, एक बात आप ही कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने आपको इस घर में ये कूड़ा करकट समेटने के लिए नहीं बुलाया। ये हसीन लम्हे बड़े शिद्दत के बाद हासिल होते हैं, ये जाया मत होने दीजिए। चले कहीं हसीन वादियों में खो जाते हैं। अगर आपकी बीवी साबिया को मालूम हुआ तो? अच्छी बात मत लीजिए उस मंजूर साहब, सारा दिन पेशू बहाने के सिवा उसे आता ही क्या है? लेकिन वो आपकी बीवी है। अच्छी जहन्नुम में जाए ऐसी बीवी। वहीदा बेगम, आप नहीं जानती उसने मेरी किन किन उम्मीदों पर पानी फेरा है। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था कि अगर कुछ मिजाज और खूबसूरत साथी होगा तो शायद मैं आपकी मोहब्बत को भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी तकदीर में तो कुछ और है। हुजूर, मैं बेवा हूँ, मेरे तो बड़े बच्चे हैं और दुनिया की निगाह में मैं आपके दूर के रिश्ते की। वहीदा बेगम, मेरी निगाह में आप मेरे लिए क्या हैं ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। काश काश मैंने शादी से पहले आपको देख लिया होता तो दुल्हन के जोड़े में आप और सहरे के पीछे अपना शोहर आप मुझे ही बात। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और फिर आप मुझसे उम्र में छोटे भी तो हैं। वहीदा बेगम, हम दोनों के बीच में इस उम्र को मत आने दीजिए। अब उम्र और आशिकी में कौन छोटा कौन बड़ा, इसका फैसला तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। हाँ, आप बस आज का प्रोग्राम तय कीजिए, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। अरे हाँ, अंदर पलंग पर नया जोड़ा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन सफेद कपड़ों में आप मेरे साथ नहीं जा सकते। मेरे बच्चे बड़े हो गए, अगर उन्हें मालूम हुआ तो? वहीदा बेगम, आप भी बस, अब हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है इसे भला कौन जान सकता है? आपकी बीवी साबिया हमारे रिश्तों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। वहीदा बेगम, उसकी छाती पर तो आप आराम से मूंग दलिए, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं। मगर उनके भाई रसूल ने कभी आपसे पूछताछ की तो? उनकी ये हिम्मत हो ही नहीं सकती। रसूल मियाँ को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो अपनी बीवी के पक्के गुलाम हैं। उन्हें अपनी बहन से ज्यादा अपनी बीवी से किए हुए वायदों की फिक्र है, और शायद आप नहीं जानती
रसूल मियां की बीवी को अपनी ननद के साथ सख्त नफरत है। कैसा अजीब इत्तेफाक है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अरे वहीदा बेगम, ये आप कह रही हैं? अरे भाई, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं आप सोबिया के हक में मुझसे कुछ ना कह बैठे। हसरत मियां, सोबिया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर आपके प्यार और आपकी नजदीकियों से अपने आप को अलग कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है। और फिर इंसानी कमजोरी से भला मैं कैसे महरूम रह सकती हूँ। सच तो ये है हसरत मियां, प्यास बुझती रहे तो मन रेगिस्तान नहीं होने पाता। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी वालिद की 6 औलादों में मेरा 4th नंबर था। हम 5 बहने और हमारा महज 1 भाई जो सबकी आंखों का नूर था। मेरी वालिद की छोटी सी किराने की दुकान थी जिसकी बिक्री से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। इसलिए अम्मी जान कभी कभार दूसरों के कपड़े सी लिया करती थी। मेरी बड़ी 3 बहनों की शादी बड़ी मुश्किल से हुई। मेरी शादी तक मेरे वालिद की माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं काफी खूबसूरत समझी जाती थी, लेकिन तकदीर। लेकिन आप तो बड़े रईस घराने में ब्याही गई। हाँ, हमारे शहर में यासीन मियां काफी जानी मानी हस्ती माने जाते थे। बेहद पैसा, शोहरत, एक दिन इत्तेफाक से उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो दीवाने हो गए। पहले तो उन्होंने मेरी वालिद के साथ दोस्ती गांठी और फिर उनकी माली हालत सुधारने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर ऊंची और बड़ी दुकान खुलवा दी। और फिर मुझसे उम्र में 40 साल बड़े यासीन मियां ने मुझे अपनी पीवी बनाया। मेरे दुखी मन के आंसू पोंछने वाला उस वक्त कोई नहीं था। सारा घर यासीन मियां के रंग में रंग चुका था। सब यही समझते थे कि वहीदा की किस्मत खुल गई। लेकिन यासीन मियां तो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। हाँ, ये सच है, यासीन मियां मुझे बहुत चाहते थे। इतना कि उनकी चाहत तले मैंने अपने आप को हमेशा दबा पाया। कभी खुलकर खुली हवा में सांस ले सकूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वहीदा बेगम, अब आप क्या समझती हैं कि वक्त बीत गया? पर मैं जो कब से आपकी मिन्नतें कर रहा हूं। वहीदा बेगम, आइए इस कुदरत को गवाह बनाते हैं अपने इस अनोखे प्यार का। चलिए शुरू कीजिए। बच्चों, मैं तुम्हारी पीएचडी के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला था। वो चाह रहे हैं कि तुम उनके कॉलेज में कुछ देर के लिए बीए ऑनर्स की क्लासेस। इंग्लिश लिटरेचर तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, कल चलना। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊं, मैं कहीं भी नहीं जाऊं, मैं कहीं भी नहीं जाऊं। बेटी कितने आंसू बहाएगी, अपने आप को संभालो। जिंदगी में बहुत से हादसे हो जाते हैं, अगर तुम बहादुरी से इन हालात का मुकाबला नहीं करेगी तो हम सब हार जाएंगे बेटा। अंशु, इस तरह रोने परेशान होने से क्या होगा, जिंदगी रुकेगी तो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाभी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं रह गई। भाभी, भाभी मैं कलंक नहीं हूँ, कलंक नहीं हूँ। बकवास बंद करो अंशु, आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है, डू यू अंडरस्टैंड? भैया, भैया उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैया, भैया,
जब भी उस हादसे के बारे में सोचती तो तो, तो कांप जाती हूँ। वो काली रात, वो देश दरिंदे, काश वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे खत्म कर जाते, कम से कम मेरे जिंदगी तो न बनती मैं यहाँ। Thank you.